जंगबाज पाकिस्तान का बारूद ही नहीं, चूल्हा भी ठंडा हो गया है। बाजवा का एटम बम धरा का धरा रह गया। जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान के आवाम को खाने के लिए ठीक से रोटी भी मयसर नहीं हो रही है। लेकिन इस्लामाबाद के नाकारा हुक्मरानों की नियत, फितरत और मक्कारी की आदत कम नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, बात देश की करते हैं, पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत की बात करते हैं, जहां दूसरे फेज में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। नंदीग्राम में 81% वोटिंग हुई है। नंदीग्राम का वोटिंग पैटर्न क्या संकेत दे रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अपनी हार मान चुकी है। इन नंदीग्राम आई एम टेलिंग यू 90% तृणमूल कांग्रेस विल विन। किसी की विजय होगी, किसी को शिकस्त मिलेगी। आउटसाइडर, दे केम फ्रॉम हियर, यू वी आउटसाइडर। चुनाव है तो कोई तो जीतेगा। कौन जीतेगा, नंदीग्राम के वोटर ने इसका फैसला कर लिया है। नंदीग्राम का संग्राम ईवीएम में कैद हो चुका है। चुनाव की ऐसी जोर आजमाइश आज तक पश्चिम बंगाल के किसी इलाके में नहीं देखी गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक भीड़ इधर भी थी, उधर भी थी, तो वोटिंग वाले दिन भी भीड़ इधर भी थी, उधर भी थी। देख सकते हैं बंगाल की एक गांव, जहां पर तृणमूल कांग्रेस एक तरफ और दूसरी तरफ है भाजपा। नंदीग्राम की इस बयाल इलाका जो है जमीन आंदोलन से परिचित है, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़ जाने के बाद एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ भारी मात्रा में भाजपा के समर्थक। पूर्वी मेदिनीपुर का एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति फिलहाल इस गांव में शिफ्ट हो गई। एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा। नंदीग्राम के लिए दोनों अपने हैं, दोनों से दिलों का रिश्ता है। उस तरफ देखिए, आपको उधर दिखाते हैं, हमको उधर आपको दिखाई पड़ेंगे टीएमसी के सपोर्टर दिखाई पड़ेंगे, और आपको यहीं से हम दिखाते हैं दूसरी ओर। देखिए थोड़ा सा चेन आगे आइएगा, उस समय जब ममता बनर्जी बाहर की ओर निकल रही है, देखिए आपको उस तरफ जो खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो बीजेपी के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनके आगे इस समय पुलिस खड़ी हुई है, और ये दोनों ओर से आपस में लगातार नारेबाजी चल रही है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और देखिए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, ये यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो अब यहाँ से बाहर निकल रही हैं और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रही है। काफी देर यहाँ पर वो रुकी। खेला होबे और जय श्री राम के खूब नारे भी लगे, लेकिन जनता का मन कोई नहीं पढ़ पाया। कांटे के मुकाबले में कौन जीतेगा अभी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं ये समझना भी जरूरी है। दूसरे फेज में पश्चिम बंगाल में 80.4% वोटिंग हुई है। बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में 81% वोट पड़े हैं। यानी जिस तरह का ट्रेंड रहा है बंगाल में इस बार भी वैसी ही वोटिंग हुई है। अब बात नंदीग्राम में कुल वोटर की करते हैं। नंदीग्राम में करीब 2,75,000 वोटर हैं। इनमें 2,15,000 हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम वोटर 60,000 के करीब हैं। 80% वोटिंग के हिसाब से देखें तो करीब 1,70,000 हिंदू तो 48,000 मुस्लिम वोटर वोट डालने निकले। ये अनुमान पश्चिम बंगाल में पिछले दो चुनाव के दौरान हुए ट्रेंड के हिसाब से लगाया गया है। अब सवाल ये है कि किस वोटर का वोट किधर जा सकता है, इसे भी पिछले दो चुनाव के नतीजों के हिसाब से समझते हैं। 60,000 मुस्लिम वोट का 80% होता है 48,000। पिछले चुनाव नतीजों के हिसाब से अनुमान लगाएं तो इनमें से 40,000 से 42,000 वोट टीएमसी को हो सकते हैं, जबकि 5,000 से 6,000 वोट लेफ्ट की कैंडिडेट मीनाक्षी मुखर्जी को मिल सकते हैं। बीजेपी के खाते में मुसलमान वोट ना के बराबर हो सकते हैं। इसी तरह पिछले चुनावों के हिसाब से हिंदू वोटों के बंटवारे का भी अनुमान लगाया जा सकता है। नंदीग्राम के 2.25 लाख हिंदू वोटों का 80% 1,70,000 वोट होता है। पिछले चुनाव नतीजों के हिसाब से लेफ्ट को 10,000 हिंदू वोट मिलने का अनुमान लगाया जा सकता है। लेफ्ट को मिले 10,000 वोट को माइनस करने पर 1,60,000 हिंदू वोट होते हैं, जिनमें से 40% यानी 64,000 वोट ममता बनर्जी के खाते में जा सकते हैं। वहीं 95,000 हिंदू वोट शुभेंदु अधिकारी को मिलने का अनुमान लगाया जा सकता है।
नंदीग्राम में धार्मिक आधार पर गोलबंदी हो चुकी है। मुस्लिम वोटर एक दशक से ममता बैनर्जी के पक्ष में हैं। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व को ही अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाया है। हालांकि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में पिछले दो चुनावों के ट्रेंड के मुताबिक महज एक अनुमान है। पिछले चुनावों का ट्रेंड बरकरार रहता है तो नंदीग्राम का नतीजा क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ममता बैनर्जी को 64,000 हिंदू और 40,000 मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। दोनों को मिला दें तो कुल 1,04,000 वोट होते हैं। इसी तरह अगर पिछले चुनावों की तरह ट्रेंड रहता है तो शुभेंदु अधिकारी को 96,000 हिंदू वोट मिल सकते हैं, जो कुल वोट होंगे, जबकि लेफ्ट की मीनाक्षी मुखर्जी को 10,000 हिंदू और 5,000 मुसलमान वोट मिल सकते हैं, तो ये कुल होंगे 15,000 वोट। माना जा रहा है कि यही 15,000 वोट नंदीग्राम का फाइनल फैसला करेंगे। यानी पिछले चुनावों की तरह ही वोटर का मिजाज रहता है तो लेफ्ट की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी के वोट को भुनाने वाले की लगभग जीत पक्की कही जा सकती है। 10,000 हिंदू वोट अगर शुभेंदु के पाले में आए तो पलड़ा भारी होगा। 5,000 मुस्लिम वोट अगर ममता के पाले में आए तो ममता बाजी जीत सकती है। खास बात यह भी है कि नंदीग्राम में जीतने वालों को 95,000 से 1,10,000 के आसपास वोट मिलते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को 1,34,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बड़ा फर्क यह है कि तब शुभेंदु ममता के साथ थे, अब मुकाबले में हैं। जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। अपने अपने दांव हैं, लेकिन नंदीग्राम का संग्राम अब ईवीएम में बंद है। फैसला क्या होता है ये तो 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नंदीग्राम का नतीजा बंगाल की आने वाली राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।